देश की राजधानी दिल्ली में चल रही थी नकली सिक्कों की फैक्ट्री। ऐसी फैक्ट्री जिसमें दिन रात लाखों रुपए के नकली सिक्के बनाए जाते थे और उन सिक्कों को मार्केट में असली सिक्कों की तरह चलाया जाता था। पुलिस ने आज उस गिरोह का भंडाफोड़ करके लाखों रुपए की कीमत के 5 और 10 के नकली सिक्के जब्त किए हैं, जिनका वजन करीब 600 किलो है। जी हाँ, 600 किलो। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप भी अब हैरान रह जाएंगे। सिक्कों का ये अंबार जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये सब नकली हैं। अगर किसी को बताया जाए तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि ये सिक्के गोरख धंधे की उस फैक्ट्री से बनकर आए हैं जो दिल्ली में पिछले कई महीनों से चल रही थी। पुलिस ने जिस गिरोह का पर्दाफाश किया है उसके पास से थोड़ी बहुत तादाद में नहीं बल्कि क्विंटल में नकली सिक्के बरामद किए गए हैं। और पता यह भी चला है कि सिक्के बनाने वाले मजदूरों को फैक्ट्री के अंदर बंधक बनाकर रखा जाता था ताकि किसी को इस गोरख धंधे की भनक तक ना लग पाए। पुलिस ने एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन नकली सिक्कों की फैक्ट्री का मालिक और गिरोह का सरगना अभी तक फरार है। दिल्ली में फर्जी सिक्कों की फैक्ट्री, 5 और 10 रुपए के नकली सिक्के, नकली सिक्के बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। यह अंबार था उन नकली सिक्कों का जो राजधानी दिल्ली में ना सिर्फ धड़ल्ली से बनाए जा रहे थे बल्कि मार्केट में चलाए भी जा रहे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। फर्जी सिक्कों की यह फैक्ट्री बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही थी, जहां से पुलिस ने बड़ी तादाद में नकली सिक्के, सिक्के बनाने का सामान और मशीनें बरामद की हैं। शनिवार दोपहर करीब 1:45 बजे के करीब रोहिणी सेक्टर 11 में गाड़ियों की तलाशी हो रही थी। इस दौरान एक कार में 10-10 के सिक्कों से भरे कई पैकेट मिले। पूछने पर सही जवाब नहीं मिला तो पुलिस को शक हुआ। सख्ती से पूछताछ में पता चला कि सारे सिक्के नकली हैं। पुलिस ने कार में मौजूद नरेश नाम के आरोपी को अरेस्ट कर लिया है, जिसने बताया कि नकली सिक्के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में बनते हैं। पुलिस ने फैक्ट्री में छापा मारा, करीब 600 किलो सिक्के जब्त किए। इनका काम था ये नकली सिक्के बना के मार्केट में उसको चलाना। जो इनिशियली पैकेट उनसे पकड़े गए, FIR में जो मेंशन करता है 10-15 पैकेट पकड़े गए, फिर जब अंदर गए तो बोरियों में भरे सिक्के हैं। सिक्कों का एक जो पैकेट है करीब 15-20 किलो का पड़ता है, तो हमने कुछ जो सीज करते जा रहे हैं तो क्विंटल्स में है, पीतल जो होता है उसको ले आकर के डाई मशीन और उसको बाकायदे कटिंग स्टैंपिंग 10 और 5 रुपए के सिक्के बनाते थे, क्योंकि उसको चलाना बड़ा आसान है। और जो इनिशियली पता लगा है कि टोल्स, पान की दुकान, शादी ब्याह में या जिसको सिक्के वगैरह की जरूरत पड़ती है, इन सब में बड़े इजीली ये सिक्के कंज्यूम हो जाते हैं और इतना लोग उस पे वो नहीं रहते हैं, ज्यादा उसकी तफ्तीश नहीं करते हैं। इस फैक्ट्री में कहने के लिए तो कार साफ करने वाली पॉलिश बनाई जाती थी, लेकिन जब पुलिस ने छापा मारा तो यहां से ना सिर्फ नकली सिक्के बल्कि सिक्के बनाने के लिए बड़ी तादाद में पीतल, मशीनें और डाई भी बरामद किए गए हैं। पुलिस को फैक्ट्री में काम करते हुए 10 मजदूर भी मिले। खुलासा हुआ कि गिरोह फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को बंधक बनाकर रखता था। ये लेबर ओवर जो आते थे इनको ये कैप्टिव बना लेते थे। दे वेर नॉट अलाउड टू इंटरैक्ट आउटसाइड, वहीं पे कैप्टिव बन के रहते थे, वहीं पे उनका खाना, वहीं रहना, उनको अपने फोन नहीं रखने देते थे। ये उनका तरीका था। इनको पता था द मोमेंट लेबर विल गो आउटसाइड दे विल डिस्क्लोज दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन, तो इसलिए वो लेबर को कहीं किसी से मिलने ही नहीं देते थे। गिरोह का सरगना फैक्ट्री मालिक और उसका भाई फरार है। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री मालिक पर बिहार के अररिया जिले में हत्या का मुकदमा दर्ज है। कुछ महीने पहले यूपी के दादरी में भी यह गिरोह नकली सिक्के बनाने की फैक्ट्री चलाता था, लेकिन वहां छापेमारी के बाद दिल्ली में गोरख धंधा शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस गिरोह के सरगना को पकड़ने की पुरजोर कोशिश में जुटी है ताकि नकली सिक्कों के इस पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस गिरोह को सिक्के बनाने वाली मशीनें और डाई कैसे, कहां से और किससे मिली। अमित त्यागी के साथ अतुल भाटिया, इंडिया TV, दिल्ली।